हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका जो रिवीजन है वो भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। मेटल फॉर्मिंग के सेशन में हमने हमारा लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज द पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और थियोरटिकल बेस्ड चैप्टर है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या किया जाता है। सबसे पहले पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, और जो पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वो कैसे किया जाता है वो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस बताए थे कि हाउ वी विल मैन्युफैक्चर द पाउडर। अब ध्यान रखिएगा, एक ही मेटल के जो पाउडर बनते हैं अगर वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से बनाए जा रहे हैं तो उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो भी क्या होगी, डिफरेंट 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 होगी। करेक्टरिस्टिक्स इन द सेंस उसकी जो फाइननेस है, उनका जो ग्रेन साइज है और उनका जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो ग्रेन का जो शेप है, डिफरेंट पाउडर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ डिफरेंट 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 मिलने वाला है। एंड दीज डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स विल डिसाइड द फाइनल डिजायर्ड प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग द पाउडर व्हाट विल वी डू, हम उसकी करते हैं ब्लेंडिंग बाय मिक्सिंग द एडिटिव्स इन इट। आपके मेटल के जो पाउडर है उसमें एडिटिव्स को मिक्स करके हम उनकी क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं। जो हम उनमें एडिटिव्स मिलाते हैं वो हम दो एडिटिव्स मिला सकते हैं, एक हम मिला सकते हैं लुब्रिकेंट्स, एक हम मिला सकते हैं आपके बाइंडर्स। तो अगर हम लुब्रिकेंट मिलाएंगे तो जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा, बाइंडर मिलाएंगे देन द अट्रैक्शन फोर्स विल बी इंक्रीजेज, इट विल बी एक्ट एज ए रिवर्स ऑफ द लुब्रिकेंट। इफ वी आर मिक्सिंग द लुब्रिकेंट इन योर पाउडर देन वॉट विल हैपन, योर वियर विल बी डिक्रीज एंड द लाइफ ऑफ द डाई विल बी ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, वियर डिक्रीज हो जाएगा, जो आपकी डाई की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज जो आपके एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके पाउडर के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी जो मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं विच विल बी यूज्ड इन योर पाउडर मेटलर्जी, इट कैन इरोड द इंटरनल सर्फेस ऑफ द डाई। सो इफ वी आर यूजिंग द लुब्रिकेंट दैट द फ्रिक्शन एंड द वियर विल बी ऑल्सो रिड्यूस, एंड बिकॉज हिंस द फ्रिक्शन एंड द वियर विल बी रिड्यूस, द वियर ऑफ द डाई विल ऑल्सो रिड्यूस, सो द लाइफ ऑफ द डाई विल बी इंक्रीज। तो डाई की जो लाइफ है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो एज ए लुब्रिकेंट मैंने आपको बताया था हम ग्रेफाइट को यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है, एज ए लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट को याद रखने का भी मैंने आपको तरीका बताया था, बिकॉज जहाँ भी आप देखेंगे एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट आपको ग्रेफाइट ऑप्शन में मिल जाएगा। तो आफ्टर ब्लेंडिंग हमने ये भी देखा था कि ब्लेंडिंग को भी थोड़ा अच्छे तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा ब्लेंडिंग कर दी, ज़्यादा एक्सेसिव ब्लेंडिंग कर दी, देन द शेप एंड द साइज ऑफ द ग्रेन में बी चेंज एंड सो दैट द डिजायरेबल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड इन द फाइनल प्रोडक्ट विल बी ऑल्सो अफेक्टेड बाई दैट। सो जो आपका ब्लेंडिंग ऑपरेशन है उसको भी आपको केयरफुली करना पड़ता है, उसको परफॉर्म करना पड़ता है। ब्लेंडिंग ऑपरेशन के बाद हम क्या करते हैं, ब्लेंडिंग ऑपरेशन के बाद हम करते हैं कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन में हम कंप्रेसिव फोर्स लगाकर, हम उस पर प्रेशर लगाकर उसकी डेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। हमने कॉम्पैक्शन के आपको तीन प्रोसेस बताए थे। एक मैंने आपको ऑर्डिनरी प्रोसेस बताया था जिसमें हम अपर पंच और लोअर पंच का यूज़ करते हुए कंप्रेसिव करते हैं, ठीक है, और फाइनल में हम क्या करते हैं, जो आपका लोअर पंच होता है उसको ऊपर खिसका कर जो आपका कॉम्पैक्ट होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। सो दिस इज़ द कॉम्पैक्शन प्रोसेस। ऑर्डिनरी कॉम्पैक्शन प्रोसेस में तीन स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेजेस में वी विल फिल द कैविटी विद द हेल्प ऑफ द पाउडर मेटल, उसके बाद हम उसका कॉम्पैक्शन करते हैं, और थर्ड स्टेज में हम इजेक्ट कर देते हैं हमारे कॉम्पैक्ट को विद द हेल्प ऑफ द लोअर पंच। लोअर पंच को ऊपर खिसकाएंगे, अपर पंच को थोड़ा और ऊपर खिसका देंगे इन द पोजिशन ऑफ द फिलिंग ऑफ द डाई कैविटी, ठीक है, तो उस पोजिशन में हम हमारे कॉम्पैक्ट को बाहर की तरफ निकाल देंगे। कॉम्पैक्शन में ये वाला जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था इसमें जो डेंसिटी अचीव होती है दैट विल बी 70%। 70% इन द सेंस कि से फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें मैं टेनिस की बॉल्स को फिल कर देता हूँ, तो टेनिस की बॉल्स को फिल करने के बाद, ठीक है, उसमें कुछ बीच में वॉइड्स रहते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट वॉइड्स डेंसिटी विल बी डिक्रीज एंड विद द हेल्प ऑफ द ऑर्डिनरी कॉम्पैक्शन प्रोसेस वी विल गेट द डेंसिटी अराउंड द 70%। There are also other compaction process with the help of which density can be improved. तो वो होता है आपका cold isostatic pressing और hot isostatic pressing. जो cold isostatic pressing होता है वो आपके room temperature पर या उसे थोड़ा सा ज़्यादा आप पर carry किया जाता है, hot isostatic pressing में temperature थोड़ा ज़्यादा होता है। With the help of that हम क्या करते हैं, high pressure fluid का use करते हैं, उन्हें compact करते हैं। जो आपका ऑर्डिनरी कॉम्पैक्शन प्रोसेस होता है उसमें जो डेंसिटी होती है वो नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है, लेकिन इन दोनों आइसोस्टेटिक प्रेसिंग ऑपरेशन में जो हमें डेंसिटी मिलने वाली होती है वो होती है आपकी यूनिफॉर्म डेंसिटी।
कोल्ड में भी यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी, हॉट वाले में भी यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी। तो ये दो पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि जो कोल्ड आइसोस्टेटिंग प्रोसेस होता है, इसमें जो हम चैम्बर यूज में लेते हैं उसके अंदर जो आपका एक मोल्ड होता है वो आपका फ्लेक्सिबल मोल्ड होता है, रबड़ का बना होता है, इलास्टोमर्स का बना हो सकता है। बट इन केस ऑफ द हॉट आइसोस्टेटिक प्रेसिंग, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर जो आपका मोल्ड होगा वो होगा आपका शीट मेटल का। किसका होगा? शीट मेटल का। रबर को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। हॉट आइसोस्टेटिंग प्रेसिंग में, हॉट आइसोस्टेटिंग प्रेसिंग में आपको सेंटरिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें एलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसी कारण हॉट आइसोस्टेटिंग प्रेसिंग में कॉम्पैक्शन और सेंटरिंग दोनों एक साथ कैरीड आउट हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द हॉट एंड द कोल्ड आइसोस्टेटिक प्रेसिंग। आइसोस्टेटिंग मतलब होता है सिमिलर। आइसोस्टेटिंग मतलब क्या होता है? सिमिलर। आइसो मतलब सेम। ओके, सो वी विल अप्लाई द यूनिफॉर्म प्रेशर अराउंड द सर्फेस ऑफ द मोल्ड। अब इस पाउडर मेथोलॉजी के सेकेंड पार्ट में हम डील करने वाले हैं हमारे स्प्रे प्रोसेस में। स्प्रे जो आपका डिपोजिशन प्रोसेस होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्प्रे डिपोजिशन प्रोसेस के बाद हम पढ़ने वाले हैं हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस। इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के बाद हम हमारा रोलिंग प्रोसेस के बारे में डील करेंगे कि रोलिंग प्रोसेस से भी आप कैसे पाउडर मेटलर्जी का प्रोडक्ट बना सकते हो। उसके बाद जो आपका हाई एनर्जी एक्सप्लोजिव प्रोसेस होते हैं, हाई एनर्जी जो हर्फ प्रोसेस होते हैं आपके, हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग प्रोसेस, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। जो HERF प्रोसेस होते हैं उनके बारे में जो हम डिटेल्ड में स्टडी करने वाले हैं, दैट विल बी स्टडीड इन योर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द शीट मेटल ऑपरेशन। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो लिक्विड फेज वाला जो फिनोमिना होता है वो क्या होता है, उससे डेंसिटी कैसे इंक्रीज होती है, जो कॉम्पैक्टिंग डेंसिटी वो कैसे इंक्रीज होगी, उसका यूज़ कहाँ किया जाता है। उसके बाद मैं आपको फीचर्स बताऊंगा कि जो आपके पाउडर मेटलर्जी के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, पाउडर मेटलर्जी के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, विद द हेल्प ऑफ द पाउडर मेटलर्जी आप क्या प्रोडक्ट बना सकते हो, आप जो मैग्नेट्स बनाते हो उसको, मैग्नेट्स को कैसे बनाया जाता है, उनमें जो पोल्स का जो अलाइनमेंट है वो कैसे किया जाता है। तो उसके साथ साथ करने के बाद मैं लास्ट में आपको दो प्रोसेस और बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द इनफिल्ट्रेशन एंड इम्प्रिगमेंट। ठीक है, एक तो इनफिल्ट्रेशन होगा एंड एक दूसरा होगा आपका इम्प्रिगमेंट। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट टू के इस सेशन को, जिसमें आपको सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ स्प्रे डिपोजिशन। तो अभी आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका स्प्रे डिपोजिशन। वो क्या है? आपका स्प्रे डिपोजिशन है। ठीक है, तो स्प्रे डिपोजिशन प्रोसेस क्या होता है? जैसे आपने होली में देखा होगा कि एक पिचकारी होती है, विद द हेल्प ऑफ दैट आप क्या करते हो? स्प्रे मारते हो, ठीक है, कलर्स का, लिक्विड का। सेम प्रोसेस इसमें ही होता है। ठीक है, इसमें भी आपका जो लिक्विड मेटल होता है उसका एटमाइजेशन होता है। लिक्विड मेटल क्या होता है? लिक्विड मेटल का होता है आपका एटमाइजेशन। और ये एटमाइजेशन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ द हाई प्रेशर गैस। हाई प्रेशर गैस की हेल्प से हम क्या करते हैं? उसका एटमाइजेशन करते हैं। जैसा कि आपने जो सबसे पहला प्रोसेस था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पाउडर, जैसे उसमें देखा था, सेम प्रोसेस, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस आपका स्प्रे डिपोजिशन होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें डिपोजिशन हो रहा है। तो डिपोजिशन होने के लिए यहाँ पर एक मैं पॉइंट और लिख रहा हूँ कि यहाँ पर होने वाला है आपके मेटल का ऑटोमाइजेशन। ऑटोमाइजेशन इन द सेंस, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि जो डीजल इंजन होता है उसमें डीजल इंजेक्टर करता है आपके डीजल का ऑटोमाइजेशन। डीजल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और उसका क्या हो जाता है? कंबर्शन हो जाता है। सेम प्रोसेस आपका लिक्विड मेटल का भी छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होना कहलाएगा ऑटोमाइजेशन। ये जो आपका स्प्रे डिपोजिशन प्रोसेस होता है इसमें तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। उनमें जो सबसे पहला एलिमेंट्स होता है वो होता है आपका स्प्रेइंग चैम्बर, कि आप किस चैम्बर में स्प्रे कर रहे हो। दूसरा होता है आपका गैस, विद द हेल्प ऑफ विच गैस यू आर गोइंग टू डू द ऑटोमाइजेशन। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस मोल्ड में उसका डिपोजिशन कर रहे हो। तो अगर हम यहाँ पर तीन पॉइंट्स की बात करें, वो तीन पॉइंट्स क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपका जो स्प्रेइंग चैम्बर है वो कैसा है, व्हाट इज द स्प्रिंग चैम्बर। आप जो गैस यूज में ले रहे हो वो गैस कौन सी है, और जो आप मोल्ड यूज में ले रहे हो उसकी शेप कैसी है। तो एंड विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स व्हाट विल वी डू, हम यहाँ पर एक शेप फॉर्मिंग ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं। सो बेसिकली जो आपका ये स्प्रे डिपोजिशन प्रोसेस है, इट इज़ ए शेप फॉर्मिंग प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है, शेप फॉर्मिंग प्रोसेस है। तो स्प्रे डिपोजिशन के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपका मेटल इंजेक्शन प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है आपका मेटल इंजेक्शन प्रोसेस।
मेटल इंजेक्शन प्रोसेस। मेटल इंजेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, मेटल इंजेक्शन प्रोसेस में हम डाइज का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, डाइज का, ध्यान रखिएगा। इसमें आपके यूज़ में ली जाती है डाइज, कौन सी यूज़ में ली जाती है, डाइज यूज़ में ली जाती है। इसमें जो आपका मटेरियल होता है वो डाई के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। किसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, डाई के अंदर। और आपके इस प्रोसेस के अंदर जो आपका पाउडर मेटल यूज़ में लिया जाता है उसके साथ एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। पाउडर मेटल्स यूज़ में जो लिया जाता है उसके साथ जो एडिटिव्स मिलाए जाते हैं वो होते हैं आपके ऑर्गेनिक एडिटिव्स। क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनिक एडिटिव्स। ये ऑर्गेनिक एडिटिव्स क्या होते हैं, ठीक है, जो आपका पाउडर मेटल होगा उसके साथ हम ऑर्गेनिक एडिटिव्स मिलाएंगे। ये ऑर्गेनिक एडिटिव्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक एडिटिव्स होते हैं आपके पॉलीमर हो सकता है और आपका वैक्स हो सकता है। क्या हो सकता है, आपका पॉलीमर हो सकता है और ये आपका वैक्स हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट और मैंने आपको बताया था कि जो भी हम एडिटिव्स मिला सकते हैं वो हम मिला लेंगे, लेकिन लेकिन जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें हम नहीं चाहेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ एडिटिव्स रहे। सो वी हैव टू रिमूव दीज एडिटिव्स। एंड व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ द रिमूविंग द एडिटिव्स, सो द रिमूविंग ऑफ द एडिटिव्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द प्री हीटिंग। हम इनका टेम्परेचर क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, और टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद ये इजीली क्या हो जाएंगे, रिमूव, ये इजीली क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। मेटल इंजेक्शन जो प्रोसेस होता है, विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन प्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप का जो ऑब्जेक्ट आपका प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द पाउडर मेटलर्जी, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द ओनली ऑफ द मेटल इंजेक्शन प्रोसेस। तो जहाँ भी आपका कॉम्प्लेक्स शेप का ऑब्जेक्ट का प्रोड्यूस करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द पाउडर मेटल, देन यू विल यूज द मेटल इंजेक्शन प्रोसेस। आप किसको यूज में लोगे, मेटल इंजेक्शन प्रोसेस को आप यूज में लोगे। मेटल इंजेक्शन प्रोसेस में जो श्रिंकेज होता है, जो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होगा आपके मेटल का, वो बहुत ही ज़्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होगा, सो दिस वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज विल बी वेरी हाई। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज बहुत ही ज़्यादा होगा, और वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज बहुत ज़्यादा होने के कारण जो वर्ड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाएंगे। वर्ड्स क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। वर्ड्स क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोडक्शन रेट है, प्रोडक्शन रेट मीन्स पार्ट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, इट विल बी वेरी हाई। एंड बिकॉज वी आर यूजिंग द डाई हेयर, हम यहाँ पर डाई यूज में ले रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द पार्ट्स। एंड जो आपकी डाई होती है, डाई के यूज करने के कारण यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशनल एक्यूरेसी होगी, ठीक है, वो भी अच्छी होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर हम बाइंडर्स और ऑर्गेनिक एडिटिव्स भी यूज में ले रहे हैं, तो उसके कारण जो आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव, और डायमेंशनल एक्यूरेसी भी इस प्रोसेस में क्या होगी, आपके बहुत ही अच्छी होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटल इंजेक्शन प्रोसेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज द रोलिंग प्रोसेस। रोलिंग प्रोसेस में हम क्या करेंगे, दो रोल्स का यूज करेंगे, दैट विल बी रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो नेक्स्ट इज द रोलिंग, दो रोल्स का हम यूज करेंगे, दैट विल बी रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो। सो दीज आर द टू रोल्स, और यहाँ पर आपका एक कंटेनर होगा, उस कंटेनर से इन दोनों रोल्स के बीच में आपका मटेरियल जाएगा। सो दिस इज द मटेरियल विच विल बी पास थ्रू बिटवीन दिस टू रोलर्स, एंड दिस टू रोलर्स आर रोटेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंड द आउटपुट प्रोडक्ट विल बी ए स्ट्रिप। ये जो आपका आउटपुट प्रोडक्ट होगा, इट विल बी ए स्ट्रिप इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिप। आउटपुट प्रोडक्ट क्या होगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिप, और इस स्ट्रिप की जो स्पीड होगी वो होगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। 0.5 मीटर पर सेकेंड मतलब यहाँ पर जो मेटल होगा उसको हम इन रोलर्स के बीच से होते हुए निकालेंगे, और निकालने के कारण इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिप। इस स्ट्रिप का यूज़ कहाँ किया जाता है, इस स्ट्रिप का यूज़ किया जाता है आपके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, उनको कवर करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इस स्ट्रिप का यूज़ कहाँ किया जाता है, इस स्ट्रिप का आपका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट के लिए। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैकेनिकल के लिए कहाँ यूज़ में लिया जाता है वो भी बता देते हैं, इट विल बी यूज फॉर द कॉइनिंग। तो जो आप कॉइन बनाते हो,
उन कॉइंस को बनाने के लिए जो स्ट्रिप आपको चाहिए, दैट स्ट्रिप विल बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द रोलिंग ऑपरेशन। ये रोलिंग ऑपरेशन से फॉर्म की जाती है। एक्चुअली इट इज नॉट ए रोलिंग ऑपरेशन जो कि हमने रोलिंग चैप्टर में पढ़ा था, ये पाउडर मेटलर्जी का रोलिंग ऑपरेशन है। ये क्या है? पाउडर मेटलर्जी का रोलिंग ऑपरेशन है। यहाँ बड़े बड़े आपके पाउडर होंगे, बड़े बड़े पाउडर होंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द छोटे छोटे पाउडर। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? छोटे छोटे पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिप आपके रोल से एज ए आउटपुट प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर आपका ये जो रोलिंग वाला जो पार्ट है, इट विल बी ऑल्सो कम्प्लीटेड। ठीक है, अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो रोलिंग वाला जो प्रोसेस है, ये किस टेम्परेचर पर कैरीड आउट किया जाता है। तो पहली चीज़ है कि ये स्ट्रिप बना रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर लिक्विड मेटल होना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो आपका रोलिंग प्रोसेस है, ये आपके रूम के टेम्परेचर पर और आपके एलिवेटेड टेम्परेचर पर, दोनों पर कहीं भी यूज़ में लिया जा सकता है। ये हॉट कंडीशन में भी किया जा सकता है, ये कोल्ड कंडीशन में भी किया जा सकता है, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड बाय द फाइनल ऑब्जेक्ट। सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द डिज़ाइनर कि इसको हॉट कंडीशन में करना है या फिर कोल्ड कंडीशन में करना है। अब जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस आता है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द एक्सप्लोजिव कॉम्पैक्शन। एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव मतलब क्या होता है? जो एक्सप्लोजिव होते हैं उनको हम एक्सप्लोड करके क्या करने वाले हैं? कॉम्पैक्शन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कॉम्पैक्शन। तो जो भी एक्सप्लोजिव कॉम्पैक्शन होते हैं, उनमें जो प्रोसेस यूज में लिया जाता है, उन्हें कहा जाता है हर्फ। उन्हें क्या कहा जाता है? हर्फ। तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए, दैट इज द एक्सप्लोजिव कॉम्पैक्शन। कौन सा प्रोसेस है आपका? एक्सप्लोजिव कॉम्पैक्शन है। इस प्रोसेस को हम हर्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्फ। हाई एनर्जी रेट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हाई रेट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम एक्सप्लोजिव्स को एक्सप्लोड करेंगे और एक्सप्लोड करने से क्या होगा? एक्सप्लोड करने से जो हमें वेलोसिटी मिलने वाली है एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी वेलोसिटी इन द डाई कॉम्पैक्टिंग ऑपरेशन, 3500 मीटर पर सेकेंड मिलेगी। कितनी मिलेगी? 3500 मीटर पर सेकेंड। इतनी ज़्यादा वेलोसिटी मिलने के कारण क्या होगा? इतनी ज़्यादा वेलोसिटी मिलने के कारण जो आपकी डेंसिटी है, कॉम्पैक्टिंग डेंसिटी है, दैट विल बी इंक्रीज्ड। और कॉम्पैक्टिंग डेंसिटी इंक्रीज होने के साथ साथ आपका जो ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस होने वाला है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, दैट विल बी ऑल्सो इंक्रीज्ड। और इसी के साथ साथ हमें मिलने वाली है यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो क्या क्या मिलेगा वो लिखिए। यहाँ पर हमें मिलने वाली है जो हमारी डेंसिटी है, इट विल बी इंक्रीज। हमारी जो स्ट्रेंथ है, इट विल बी ऑल्सो इंक्रीज। और हमें जो डेंसिटी मिलने वाली है, वो यूनिफॉर्म डेंसिटी मिलने वाली है। कैसी डेंसिटी मिलने वाली है? यूनिफॉर्म डेंसिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पाउडर मेटलर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमें जो डेंसिटी चाहिए आपके पाउडर मेटल की, वो यूनिफॉर्म चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं ज़्यादा डेंस है, कहीं कम डेंस है। सो डेंसिटी शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द प्रोडक्ट। तो आपके प्रोडक्ट में जो डेंसिटी है, वो थ्रू आउट क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। और यहाँ पर जो स्पीड मिलने वाली है, दैट इज़ अ 3500 मीटर पर सेकंड। इतनी ज़्यादा स्पीड हमें मिलने वाली है एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी कॉम्पैक्टिंग ऑपरेशन, जो कि हम विद द हेल्प ऑफ द डाई एंड पंच करते हैं। सो दिस इज द एक्सप्लोजिव कॉम्पैक्शन। ये क्या है आपका? एक्सप्लोजिव कॉम्पैक्शन है। इसके बाद आपका दूसरा आता है आपका लिक्विड, लिक्विड फेज सिंटरिंग। ये आपके एडिशनल प्रोसेस है। ये प्रोसेस पता है क्या है? एडिशनल प्रोसेस है। तो जो मेन प्रोसेस होते हैं पाउडर मेटलर्जी के, वो तो कंप्लीट हो चुके हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। लेकिन जो एडिशनल प्रोसेस होते हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका है लिक्विड फेस सिंटरिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिक्विड फेज सिंटरिंग। लिक्विड फेज सिंटरिंग, तो लिक्विड फेज सेंटरिंग के बारे में लिखिए। आपको इसमें क्या याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है ड्यूरिंग सेंटरिंग फ्रॉम द लोअर मेल्टिंग पॉइंट कंपोनेंट लिक्विड फेज में एग्जिस्ट। ठीक है, तो जब भी हम लोअर मेल्टिंग पॉइंट का क्या करेंगे? सेंटरिंग ऑपरेशन करेंगे, इन दैट केस लिक्विड फेज आपका एग्जिस्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, एंड इन दिस लिक्विड फेज व्हाट विल वी डू,
हम इस लिक्विड फेस में एलोइंग करेंगे। तो ध्यान रखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, एलोइंग, एलोइंग मे टेक्स प्लेस, एलोइंग मे टेक्स प्लेस एट पार्टिकल, एट अ पार्टिकल, एट द पार्टिकल टू पार्टिकल, एट द पार्टिकल टू पार्टिकल इंटरफेस, एट द पार्टिकल टू द पार्टिकल इंटरफेस। ये दूसरा पॉइंट है, ये भी आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। एंड दिस एलोइंग विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द एलोय, कि आप जो एलोइंग यूज में ले रहे हो उसका नेचर कैसा है। साथ ही साथ ये आपका डिपेंड करेगा आपके मोल्टन कंपोनेंट पर, किस पर डिपेंड करने वाला है, मोल्टन कंपोनेंट पर डिपेंड करने वाला है। और साथ ही साथ ये आपका डिपेंड करेगा कि पार्टिकल टू पार्टिकल है तो पार्टिकल के बीच में पहुंचने के लिए चाहिए कैपिलरी, तो ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि कैपिलरिटी इफेक्ट कैसा है। जब हम इसको यूज़ करेंगे लिक्विड फेस से एंटरिंग को, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो कॉम्पैक्टिंग डेंसिटी है इट विल बी इम्प्रूव्ड। तो अगर आप और पॉइंट लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो दैट मोल्टन में मोल्टन कंपोनेंट, मोल्टन कंपोनेंट में सराउंड, मोल्टन कंपोनेंट में सराउंड द पार्टिकल, में सराउंड द पार्टिकल, मोल्टन कंपोनेंट में सराउंड द पार्टिकल दैट हैज नॉट मेल्टेड, दैट हैज नॉट मेल्टेड। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे हाई कॉम्पैक्ट डेंसिटी, जो कि मैंने आपको बताया है इट विल बी अचीव्ड। हाई कॉम्पैक्ट डेंसिटीज कैन बी क्विकली अटेंड, कैन बी क्विकली अटेंड, कैन बी क्विकली अटेंड। और ये जो आपका प्रोसेस है इसमें जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स, और इन इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स में से तीन इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं। पहला होता है आपका नेचर ऑफ एलोएस, नेचर ऑफ एलोए, फिर होता है आपका कैपिलरिटी, नेचर ऑफ एलोए, फिर होता है आपका कैपिलरिटी, फिर होता है आपका मेल्टिंग कंपोनेंट, फिर क्या होता है आपका मेल्टिंग कंपोनेंट। कि इन तीनों पर आपका डिपेंड करता है लिक्विड फेस सेंटरिंग। सो दिस इज द थर्ड वन, दैट इज द मेल्टिंग कंपोनेंट। एक्चुअली दिस चैप्टर इज बेसिकली ए थ्योरेटिकल चैप्टर, तो थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, ठीक है। मेरा भी गला थोड़ा सा खराब है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा कि यह चैप्टर बेसिकली पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, और क्वेश्चन इतना ईजी आएगा वो मार्क्स हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आने वाला है, ये तो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्टेप्स पूछा जाता है या फिर ये पूछा जाता है कि इस स्टेप में होता क्या है, सिर्फ ये चीज़ें ही पूछी जाती है, और आपसे इन डिटेल ये नहीं पूछा जाएगा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें ही एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाने वाली है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिक्विड फेज सेंटरिंग। तो लिक्विड फेज सेंटरिंग के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि फीचर्स ऑफ द पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस, पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस के क्या क्या फीचर होते हैं। अगर हम पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस को यूज़ में ले रहे हैं तो पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस को यूज़ में लेने से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसका जो टॉलरेंस जोन होगा वो काफ़ी इम्प्रूव होगा, जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो विद इन टॉलरेंस मिलने वाला है। अगर हम उसको रिप्रेस्ड कर देते हैं, रिप्रेस्ड करने से वो अपने टॉलरेंस जोन के अंदर और ज़्यादा आ जाता है, जिससे उसकी जो डायमेंशनल एक्यूरेसी है वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, और डायमेंशनल एक्यूरेसी इम्प्रूव होने के साथ साथ उसके जो सरफेस फिनिश है वो भी क्या हो जाती है, इम्प्रूव। रीप्रेसिंग करने से क्या होगा, रीप्रेसिंग करने से जो आपके पार्टिकल्स हैं उन दोनों के बीच में जो वॉइड्स है वो भी एलिमिनेट हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम उन वॉइड्स के बीच में इम्प्रिग्नेटेड कर दें ऑयल को, जैसा कि मैंने आपको बताया था सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेरिंग, अगर आपके पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस में जो आपका पाउडर यूज़ में लिया जा रहा है उन पाउडर्स के बीच में जो वॉइड्स हैं, वॉइड्स आप आई थिंक समझ नहीं रहे हो, सपोज कोई ये कंटेनर है, इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट टेनिस बॉल्स रख दिए, ये डिफरेंट डिफरेंट टेनिस बॉल्स हैं, तो समझ लो ये पाउडर के पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, पाउडर के पार्टिकल्स, सो दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द पाउडर। अब यहाँ पर वॉइड्स है, सो दीज आर द वॉइड्स, खाली जगह होगी या नहीं होगी, या पूरा भरा हुआ होगा, हवा होगी या नहीं होगी, बताओ भाई, हवा तो होगी सर। सो दीज आर द वॉइड्स, ये तो इतना बड़ा वॉइड है, देखो ये भी वॉइड्स है। अब साथ ही साथ देखो, मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी कि ऑल द पार्टिकल्स विल नॉट हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज, सो देर विल बी ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रेन साइज।
जिनके कारण क्या होगा, इन वॉइड्स के बीच में अगर मैं ऑयल को इम्प्रिग्नेटेड कर दूं तो उस कंडीशन में दे विल बी एक्ट एज ए सेल्फ लुब्रिकेटेड पार्ट, ये सेल्फ लुब्रिकेटेड पार्ट की तरह एक्ट करेंगे। और अगर मैं ऑयल को इम्प्रिग्नेट करता हूं तो इट विल कवर, ये आपके वॉल्यूम को भी कवर करेगा, और ये कितना वॉल्यूम कवर कर सकता है दैट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द प्रोसेस दैट इज नोन एज ए इम्प्रिग्नेटेशन। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऑयल को इम्प्रिग्नेट कैसे करते हैं, ऑयल को इसके अंदर कैसे घुसाते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। और ध्यान रखिए, ये तो हमने ऑयल को इनके पार्टिकल्स के बीच में डाला, इन केस कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया उसके हमने सरफेस के ऊपर इनफिल्ट्रेशन कर दिया, सरफेस के ऊपर अगर आप इनफिल्ट्रेशन करोगे लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर मेटल का, तो आपकी जो डक्टिलिटी है ऑब्जेक्ट की वो भी इंप्रूव हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, साथ ही साथ जो आपकी स्ट्रेंथ है ऑब्जेक्ट की वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये दो पॉइंट आपको क्या रखने पड़ेंगे, यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। ऑन द सेम हैंड अगर हम इनफिल्ट्रेशन कर रहे हैं देन द हार्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी ऑल्सो इंक्रीज एंड रिजल्टिंग द इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, विच मीन्स आप जो शॉक लोडिंग कर रहे हो, जो इम्पैक्ट लोडिंग लगा रहे हो, जो झटके लगा रहे हो ऑब्जेक्ट को, उनको सहन करने की जो क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। सो ये चीज़ें आपकी है, क्या है फीचर्स ऑफ द पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस। तो पहला पॉइंट जैसे मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है, आप रीप्रेसिंग कर सकते हो, ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपने कोई पाउडर मेटलर्जी से प्रोडक्ट बनाया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पाउडर मेटलर्जी से प्रोडक्ट बनाने के बाद मशीनिंग नहीं कर सकते हैं, मशीनिंग कर सकते हैं, और मशीनिंग अगर हम नहीं कर पाते हैं तो ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हमने पाउडर मेटलर्जी से प्रोडक्ट बनाया है सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट उस ऑब्जेक्ट की मशीनिंग की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट की मशीनिंग की ज़रूरत हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट्स की मशीनिंग की ज़रूरत नहीं हो। तो जिनके मशीनिंग की ज़रूरत नहीं है तो उनको मशीनिंग तो करेंगे नहीं, लेकिन जिनको मशीनिंग की ज़रूरत है उनमें भी दो कैटेगरी है कि उनकी मशीनिंग हम आसानी से कर सकते हैं और उनके मशीनिंग में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो जिनकी मशीनिंग हम आसानी से करते हैं उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी मशीनिंग आसानी से कर देंगे, लेकिन जिनकी मशीनिंग हम आसानी से नहीं करते उनकी मशीनिंग कैसे करेंगे, उनके लिए भी एक डिफरेंट प्रोसेस कैरीड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ कि दैट जो आपका ऑब्जेक्ट बनने वाला है पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस है, आपके प्रोसेसेस कंप्लीट होने के बाद आप उस पर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस भी कर सकते हो, आप उस पर मशीनिंग ऑपरेशन भी कैरीड आउट कर सकते हो। सो दिस इज द फीचर्स ऑफ द पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या है कि इसमें जो टॉलरेंस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, टॉलरेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम रीप्रेसिंग कर सकते हैं, रीप्रेसिंग करने से जो डेंसिटी है और जो आपकी सरफेस फिनिश है वो इम्प्रूव हो जाती है। क्यों, रीप्रेसिंग हमने बहुत ज़्यादा दबा दिया ना, पहले तो प्रेस कर ही दिया था, मान लो ये ऐसे है, पहले हमने प्रेस इतना कर दिया, अब हम रीप्रेसिंग कर रहे हैं, पहले तो ऑब्जेक्ट इतना था प्रेस कर दिया, अब हम रीप्रेसिंग कर रहे हैं, तो रीप्रेसिंग करने से क्या होगा, डेंसिटी विल बी फर्दर इम्प्रूव, आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, साथ ही साथ जो आपकी स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यहाँ पर मैंने दो पॉइंट भी आपको बताए थे कि हम ऑयल को इम्प्रिग्नेंट कर सकते हैं और हम उसके सरफेस पर इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जब हम ऑयल को इम्प्रिग्नेंट करेंगे, अंदर की तरफ घुसाएंगे, तो वो आपका एक्ट करेगा एज ए सेल्फ लुब्रिकेंट। कैसा एक्ट करेगा, एज ए सेल्फ लुब्रिकेंट, जब आप उसको यूज में लोगे तो वो ऑयल रिलीज होने लगेगा, इट विल बी एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, इट विल रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड सो द वेयर विल बी ऑल्सो रिड्यूस। अगर हम लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर मेटल का आपके पाउडर मेटलर्जी प्रोडक्ट से बने सरफेस पर अगर हम इन्फिल्ट्रेशन करते हैं तो उस केस में क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन करने से जो डक्टिलिटी है वो भी इंप्रूव हो जाएगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, जो हार्डनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो आपका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ द पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस, उसके बाद आप उस पर एडिशनल प्रोसेस भी कर सकते हो, आप उस पर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर सकते हो, आप उसकी प्लेटिंग कर सकते हो, आप उस पर मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेट्स, आप पाउडर मेटलर्जी की हेल्प से मैग्नेट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फीचर्स हमने पढ़ लिए, सो नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेट्स, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेट्स में आपको पता होना चाहिए कि आप जो मटेरियल यूज में ले रहे हो उसका रेशियो क्या होता है। जो भी हम मैग्नेट प्रोड्यूस करते हैं उसमें दो मटेरियल मेन होते हैं, दैट इज द आयरन एंड द एल्यूमिनियम। जो भी मैग्नेट होगा उसमें दो मटेरियल होंगे, आयरन एंड द एल्यूमिनियम, इनका रेशियो होता है 50:50। क्या रेशियो होता है, 50:50 होता है। अगर हम ओवरऑल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें होता है आपके आयरन, एल्यूमिनियम
और होता है निकल, इट विल बी यूज फॉर द परमानेंट मैग्नेट। ये किसके लिए यूज में लिया जाता है? परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज में लिया जाता है। अब आपको ध्यान होगा कि जो मैग्नेट्स होती है उसके दो पोल्स होती है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है आपकी साउथ पोल होती है। ये डिसाइड कैसे किया जाता है कि जब हम बनाए रहे हैं तो कैसे एक पार्ट को नॉर्थ बनाए, कैसे दूसरे पार्ट को साउथ बनाए, दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ द कॉइल अलाइनमेंट। अगर आपको नॉर्थ पोल बनाना है, ठीक है, और आपको साउथ पोल बनाना है, तो इनका अलाइनमेंट किया जाता है कि ये वाला नॉर्थ पोल होगा समथिंग, ये वाला साउथ पोल होगा, ये वाला साउथ होगा, ये वाला नॉर्थ होगा। और ये अलाइनमेंट कैसे किया जाता है? ये वाला अलाइनमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द वायर्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द वायर कॉइल्स, विद द हेल्प ऑफ द वायर कॉइल्स हम इनका क्या करेंगे, अलाइनमेंट करेंगे। क्या करेंगे? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट करने के बाद हम इसको रैपिडली कूल कर देंगे, जल्दी से ठंडा कर देंगे। और जल्दी से ठंडा करने के लिए जो गैस हम यूज में लेते हैं वो गैस होती है आपकी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस। और हम इसको क्या कर रहे हैं? ठंडा। क्या कर रहे हैं? कूल डाउन कर रहे हैं। तो कूल करने से, ठंडा होने से कोई भी चीज सिकुड़ती है, और सिकुड़ने से होता है उसमें श्रिंकेज। सिकुड़ने से क्या होता है? उसमें श्रिंकेज। तो इसमें भी श्रिंकेज होता है, और ये जो श्रिंकेज होता है इट विल बी इक्वल टू 3 to 7%। कितना परसेंट श्रिंकेज होता है? 3 to 7% यहाँ पर श्रिंकेज होता है। अब ध्यान रखना है कि हमें कि जो हम हाइड्रोजन गैस यूज में लेते हैं ये किस टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए हम यूज में लेते हैं। तो अगर अलाइनमेंट के ड्यूरेशन में अगर आपका टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस है तो उस कंडीशन पर आप हाइड्रोजन गैस को यूज में ले सकते हो। किसको यूज में ले सकते हो? हाइड्रोजन गैस को यूज में ले सकते हो। सो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट्स का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है? यहाँ से क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछा जा सकता है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अलाइनमेंट किसकी हेल्प से किया जाता है? दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ द वायर कॉइल्स। इसको ठंडा करने के लिए कौन सी गैस हम यूज में लेते हैं? दैट इज द हाइड्रोजन गैस। रैपिडली ठंडा करते हैं इसको, बहुत जल्दी ठंडा करते हैं, कूल डाउन करते हैं, और कूल डाउन होने से श्रिंकेज होती है, और श्रिंकेज कितनी होती है? 3 to 7% होती है, 7 और 3 10, ठीक है, ऐसे याद रख लो। अब देखिए 3 to 6, तो ये कितना हो जाएगा? 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर आपके मेटेरियल का टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस है तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन गैस रैपिडली कूल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके मैग्नेट्स के प्रोडक्शन में जो रेशियो होता है आपके आयरन और एल्यूमिनियम का, दैट विल बी इक्वल्स टू 50:50। एंड इफ यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस द परमानेंट मैग्नेट, अगर हमें परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस करनी है तो उसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है आपका आयरन एल्यूमिनियम एंड द निकल। क्या होता है मेरे साथ बोलेंगे? आयरन एल्यूमिनियम एंड द निकल। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला भी जो आपका कॉम्बिनेशन है वो आपको पता चल गया होगा कि कैसे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ द वायर अरेंजमेंट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द कॉइल अरेंजमेंट। कॉइल के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम आपके प्रोडक्ट के किसी एक पार्ट को नॉर्थ पोल में कन्वर्ट कर देंगे, प्रोडक्ट के किसी दूसरे पार्ट को हम उसके साउथ पोल में कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेट्स। नाउ कम टू द एडवांटेज ऑफ द पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस। इसके इतने ज़्यादा एडवांटेज है कि अगर हम बात करेंगे तो भी कम पड़ जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है आपके पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस के। पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस में अगर हम बात करते हैं एडवांटेज की, डिसएडवांटेज की भी बात करेंगे। डिसएडवांटेज कम है, एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। ये जो आपका प्रोसेस है उसमें एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है और डिसएडवांटेजेस बहुत कम है। जो आपका पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस होता है उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो टॉलरेंस जोन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, हाई टॉलरेंस जोन विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब टॉलरेंस जोन तो ऐसे बड़ा होता है ना, टॉलरेंस जोन बड़ा होता है, मतलब अगर टॉलरेंस जोन बहुत छोटा है तो भी हम प्रोडक्ट को बार बार रीप्रेस करके, रीसेंटरिंग करके हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो टॉलरेंस होगा, राइट डाउन द पॉइंट आपके प्रोडक्ट का, वो अच्छा होगा। तो पॉइंट डालिए, गुड टॉलरेंस, गुड टॉलरेंस एंड गुड सरफेस फिनिश। देखिएगा बोर्ड भर जाएगा, इतनी ज़्यादा एडवांटेज होते हैं। गुड टॉलरेंस एंड गुड सरफेस फिनिश, ये बहुत अच्छी बात है। गुड टॉलरेंस होगा और उसका जो सरफेस फिनिश होगा वो भी कैसा होगा? गुड होगा। कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय द पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस ऑल्सो। यहाँ से आप ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लेक्स शेप भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट डालिए, दैट इज द हाईली कॉम्प्लेक्स शेप ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड क्विकली, कैन बी प्रोड्यूस्ड क्विकली। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हो, हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस वेरी क्विकली, बहुत ही कम समय में।
यहां पर आपके प्रोडक्ट की पोरोसिटी पर अच्छा कंट्रोल होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए, दैट इज द पोरस पार्ट, पोरस पार्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड, पोरस पार्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय पाउडर मेटलर्जी, पोरस पार्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस। तो ये चीज भी आप यहाँ पर याद रख सकते हो, यहाँ पर आप ऐसे पार्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो दैट आर द हार्ड टू मैन्युफैक्चर, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग की ही नहीं जा सकती है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग की ही नहीं जा सकती है, उनको भी आप यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें तो उनका पाउडर बनाना है और पाउडर बना के हमें उसे रिक्वायर्ड शेप में क्या कर देना है, कॉम्पैक्ट कर देना है। तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए दैट कि हार्ड टू मैन्युफैक्चर, हार्ड टू मैन्युफैक्चर मटेरियल्स, हार्ड टू मैन्युफैक्चर मटेरियल्स पार्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड, हार्ड टू मैन्युफैक्चर मटेरियल्स पार्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब ध्यान रखिएगा, अब जो आप यहाँ पर मटेरियल्स बना रहे हो, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, उनके बीच में कुछ ना कुछ पोर्स होते हैं, कुछ ना कुछ खाली जगह होती है, उन खाली जगह में आप क्या कर सकते हो, कुछ दूसरा मटेरियल फिल कर सकते हो, और दूसरा जब मटेरियल हम फिल करेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, एलोइंग हो जाएगी, उनकी क्या हो जाएगी, एलोइंग। तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए, दैट इज द पोर्स, पोर्स इन द मेटल, पोर्स इन द मेटल कैन बी फिल्ड, कैन बी फिल्ड बाय अदर मटेरियल्स, कैन बी फिल्ड बाय अदर मटेरियल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, दैट इज द पोरोसिटी कैन बी कंट्रोल्ड, पोरोसिटी को कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। बहुत सारे एडवांटेज है इसके, बहुत ही सारे एडवांटेज है, पोरोसिटी को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे उनका जो वियर रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे उनका जो वेस्टेज होगा, उनमें से जो वेस्ट निकलने वाला है वो बहुत ही कम होगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑटोमेशन होगा आपके ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो ऑटोमेशन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस होगा उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होगी, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव्ड प्रॉपर्टीज होगी। इस पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस में जो आप ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए मेटलिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो दीज आर द मेटलिक ऑब्जेक्ट्स, तो मेटलिक ऑब्जेक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए मेटल को मेल्ट करना रहता है इन द कास्टिंग प्रोसेस, बट इन केस ऑफ द पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस आपको मेटल को मेल्ट करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से पार्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो विदाउट मेल्टिंग द मेटल्स, विदाउट मेल्टिंग द मेटल्स। साथ ही साथ यहां पर आप यूज में ले रहे हो डाई, और अगर आप डाई यूज में ले रहे हो तो आपको फिनिशिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिनिशिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर मैं बात करता हूं एलोइंग की, तो जो आपके ट्रेडिशनल एलोइंग एलिमेंट्स होते हैं, जो कि आपके दादा परदादा जी यूज में लेते आते थे, उन ट्रेडिशनल एलोइंग एलिमेंट्स के अलावा जो कि हम पुराने समय में एलोइंग नहीं कर पाते थे, उनकी एलोइंग भी अब पॉसिबल हो चुकी है। मतलब नॉन ट्रेडिशनल एलोइंग कंपोनेंट्स कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस। और जो आपका फाइनल ऑब्जेक्ट होगा, जो आपका फाइनल ऑब्जेक्ट होगा, उसकी प्रॉपर्टीज पर, उसकी डायमेंशन पर, उसकी टॉलरेंस पर, उसकी पोरोसिटी पर, उसकी डेंसिटी पर बहुत ही बेहतर कंट्रोल होने वाला है, बहुत ही अच्छा कंट्रोल होने वाला है। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस। कितने सारे हैं? बहुत सारे। देन कम टू द डिसएडवांटेज, वेरी इंपॉर्टेंट। पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस में जो आप मेटल का पाउडर बनाते हो, देखो अगर वो मेटल के पाउडर का जो साइज है, पार्टिकल का साइज है, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा छोटा है तो जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होगा वो जल सकता है, आग लग सकती है, एक्सप्लोजन हो सकता है। तो मतलब स्टोर करना बहुत ही मुश्किल है, स्टोर केयरफुली करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर स्टोर नहीं करना चाहिए। अगर हम इम्प्रॉपर स्टोर करेंगे, अगर हम केयरफुली स्टोर नहीं करेंगे, तो सेल्फ एक्सप्लोजन प्रॉपर्टी के कारण, मतलब पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है और इतना ज़्यादा छोटा है कि जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा वो जल जाएगा, तो उसकी जो स्टोरिंग की जो कैपेसिटी है, उसको जो हम स्टोर करने, जो स्टोर कर रहे हैं वो जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। जो हम स्टोर कर रहे हैं वो इम्प्रॉपरली नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली तरीके से स्टोर होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब हम बात करते हैं दूसरी थिंग की, दैट द कॉस्ट ऑफ द डाई इज़ वेरी हाई। जो ये प्रोसेस है उसमें जो कॉस्ट यूज़ में आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि अगर हम डाई लाइफ को इम्प्रूव कर देते हैं, इफ़ यू यूज़ द लुब्रिकेशन, ठीक है, अगर हम डाई की लाइफ को इम्प्रूव कर देते हैं, देन द कॉस्ट विल बी ओवरकम आफ्टर द सम टाइम, आपको वो कॉस्ट वापस से रीपे हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि आप जो यहाँ से प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, जो भी आपका प्रोडक्ट बनने वाला है जिस भी प्रोजेक्ट के लिए, उनकी जो क्वालिटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी और आप उसको मनचाही कीमत पर बेच भी पाओगे। ठीक है, जैसे बीरिंग्स है जो कि आप होम अप्लाइंसेस में यूज में लेते हो, सेल्फ लुब्रिकेटिंग बीरिंग, उसको भी आप यहाँ पर बना सकते हो, आपके पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस है। और अगर हम बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की, तो यहाँ पर जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उसका साइज लिमिटेड है, ऐसा नहीं है लेथ मशीन का बेड भी आप पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस से बना रहे हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्ट बनने वाले उनमें जो शार्प कॉर्नर्स की प्रॉब्लम है वो हो सकती है, जो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उनमें शार्प कॉर्नर्स नहीं होंगे। सो दिस इज ऑल्सो ए डिसएडवांटेज ऑफ द योर पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस, तो ध्यान रखिएगा ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। और एक डिसएडवांटेज और है कि जो नॉन मोल्डेबल फीचर्स होते हैं वो इम्पॉसिबल होते हैं। यहाँ पर जो नॉन मोल्डेबल फीचर्स होंगे दीज आर इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस। ठीक है, नॉन मोल्डेबल, सो दीज आर द डिफरेंट डिसएडवांटेज ऑफ योर पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द ऑयल इम्प्रिगमेंटेशन। आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो होता है आपका ऑयल इम्प्रिगमेंटेशन। ऑयल इम्प्रिगमेंटेशन में क्या होता है, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ऑयल इम्प्रिगमेंटेशन। इम्प्रिग याद रख लो, सिर्फ उससे काम आपका चल जाएगा। इम्प्रिगमेंटेशन मतलब ऑयल को अंदर इम्प्रिगमेंटेशन करना है, ऑयल को अंदर डालना है। तो ध्यान रखिएगा जब हम ऑयल को अंदर डालेंगे तो सेल्फ लुब्रिकेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, तो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन प्रोड्यूस द सेल्फ लुब्रिकेटिंग बीयरिंग्स विच आर यूज इन योर होम अप्लाइंसेज इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है एक्चुअली? इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसको हम क्या करेंगे, ऑयल के बाथ के अंदर डिप करेंगे। किसके अंदर डिप करेंगे, ऑयल के बाथ के अंदर। तो जब हम उसको ऑयल के बाथ के अंदर डिप करेंगे तो उस कंडीशन से क्या होगा, ऑयल के बाथ के अंदर डिप करने से जो ऑयल है वो आपके मेटल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं, पार्टिकल्स के बीच के अंदर का जो वॉइड्स है उसके अंदर चला जाएगा, और उसके अंदर जाने के बाद उसकी डेंसिटी को वो इम्प्रूव करेगा, और डेंसिटी इम्प्रूव करने के बाद जब भी वो प्रोडक्ट आपका यूज़ में लिया जाएगा द ऑयल विल बी रिलीज आउट ऑफ फ्रॉम द प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट से बाहर ऑयल निकलने लगेगा एंड इट विल बी एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। ये लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करेगा। तो अभी मैंने एक बॉल वाला डायग्राम आपको बताया था कि बीच में कुछ वॉइड्स होते हैं, बीच में क्या होते हैं, वॉइड्स होते हैं, और उन वॉइड्स के अंदर अगर ऑयल चला जाता है, क्या चला जाता है, ऑयल चला जाता है, तो दैट ऑयल विल बी एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। किसकी तरह एक्ट करेगा, वो लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करेगा। अब ये जो ऑयल अंदर जाता है ये कितना वॉल्यूम कवर अप करता है, इट विल बी कवर अप द 12% टू द 30% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, मतलब इतना ज्यादा ऑयल अंदर चला जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द इनफिल्ट्रेशन। तो दोनों एक ही जैसे हैं लगभग, इनफिल्ट्रेशन में क्या होगा, देखिए इनफिल्ट्रेशन में हम क्या करेंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल की एक जो सरफेस होती है वो हम प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। आपका कोई ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर हम लो मेल्टिंग पॉइंट का जो लिक्विड है उसको डाल के उसके ऊपर जो सरफेस बनाने की कोशिश करेंगे, और सरफेस बनाने की कोशिश करने के कारण क्या होगा, वो जो आपका लिक्विड मेटल है वो आपके पोर्स के अंदर फिल होने की कोशिश करेगा। पोर्स के अंदर फिल होने के लिए एक प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होती है, और वो प्रॉपर्टी आप एफए में पढ़ते हो, क्या प्रॉपर्टी होती है जल्दी से बताओ, बिकॉज ऑफ द कैपिलरिटी एक्शन। किसके कारण, कैपिलरिटी एक्शन के कारण जो भी आपके पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स होंगे उनके अंदर वो लिक्विड मेटल चला जाएगा, और जैसे ही वो लिक्विड मेटल उसके अंदर जाएगा उनके बीच की जगह को वो क्या कर देगा, फिल कर देगा, कवर कर देगा, वहां बीच में कोई भी वॉइड नहीं रहेगा। तो अगर वहां पे कोई भी वॉइड नहीं रहेगा देन द पोरोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी डिक्रीज, और अगर पोरोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं आयरन की, तो आयरन में हम क्या करते हैं, कॉपर का लिक्विड मेटल डालते हैं। किसका मेटल डालते हैं, कॉपर का लिक्विड मेटल डालते हैं, और कॉपर का लिक्विड मेटल डालने के साथ साथ अगर आपको इरोजन को अवॉइड करना है तो आप मैंगनीज का भी यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो, मैंगनीज का भी यूज कर सकते हो। नाउ कम टू द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस। इस पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस से आप क्या क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि विद द हेल्प ऑफ दैट
सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग्स कैन बी प्रोड्यूस, और ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग्स किसकी हेल्प से प्रोड्यूस की जाती है? विद द हेल्प ऑफ द इम्प्रिगमेंटेशन। इस इम्प्रिगमेंटेशन की हेल्प से हम सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है, एक कंटेनर में ऑयल होता है, और इस ऑयल के अंदर आप अपने ऑब्जेक्ट को डालते हो, और ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन ये आपका ऑयल इस ऑब्जेक्ट के, जो कि पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस से बना है, उनके वॉइड्स के बीच में फिल हो जाता है। और वॉइड्स मतलब खाली जगह के बीच में अगर वो फिल्ड हो जाएगा, तो व्हेन इट विल बी यूज्ड दैट ऑयल विल बी कम आउट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड इट विल बी एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। तो आप सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग को बनाने के लिए पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस का यूज करते हो, जिसमें एक स्पेशल प्रोसेस होता है, दैट इज द ऑयल इम्प्रिगमेंटेशन। क्या होता है ये आपका? ऑयल इम्प्रिगमेंटेशन होता है। इस पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इस पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस की हेल्प से आप फिल्टर भी बना सकते हो, और उन फिल्टर्स में पोर्स भी बना सकते हो। ठीक है, फिल्टर बनाने के लिए फिल्टर में पोर्स होंगे, और वो पोर वाला फिल्टर बनाने के लिए आप यूज में लोगे पाउडर मेटलर्जी। मतलब पहला एप्लीकेशन तो आ गया ये बेयरिंग वाला, दूसरा आ जाएगा आपके कि आप फिल्टर बना सकते हो। कौन से वाला फिल्टर? पोर्स वाला फिल्टर, जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स मतलब होल्स। ठीक है, साथ ही साथ आप इसका यूज करते हो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रेगुलेटर विच विल बी यूज्ड इन द फ्लो। ठीक है, आप प्रेशर रेगुलेटर भी बना सकते हो आप इसकी हेल्प से। थर्ड एप्लीकेशन, प्रेशर रेगुलेटर और जो फ्लो रेगुलेटर होता है उनको प्रोड्यूस कर सकते हो। प्रेशर रेगुलेटर और जो आपका फ्लो रेगुलेटर होता है उनको क्या कर सकते हो? प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये चीजें आपको क्या रखनी पड़ेगी? यहां पर याद रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस है, जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होगी वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी दैट विल बी इंप्रूव्ड प्रॉपर्टी। और विद द हेल्प ऑफ द पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस यू कैन प्रोड्यूस द सीमेंटेड कार्बाइड्स। आप किसको प्रोड्यूस कर सकते हो? विद द सीमेंटेड कार्बाइड को प्रोड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द टंगस्टन कार्बाइड। विद द हेल्प ऑफ द टंगस्टन कार्बाइड, ध्यान से सुनो, चौथे में आप सीमेंटेड कार्बाइड प्रोड्यूस कर सकते हो। सीमेंटेड कार्बाइड यूज कहाँ होता है? आपके टूल्स में होता है। तो सीमेंटेड कार्बाइड्स को आप प्रोड्यूस कर सकते हो, और सीमेंटेड कार्बाइड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आप जिसकी हेल्प लेते हो उसे हम कहते हैं टंगस्टन कार्बाइड। क्या कहते हैं? टंगस्टन कार्बाइड लेते हैं। टंगस्टन कार्बाइड को यूज करते हुए आप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स यू कैन यूज द पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूं कि दो प्रोसेस, दैट इज द प्री सिंटरिंग एंड द रीप्रेसिंग, काफी सिमिलर से प्रोसेस है, इस पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट इज द प्री सिंटरिंग एंड द रीप्रेसिंग। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से प्रेजेंट रहा करो जब भी आप क्लास लेते हो। प्री सिंटरिंग मतलब पहले से ही हमने सिंटरिंग कर दी। क्यों सिंटरिंग करी? पाउडर मेटलर्जी से कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिनकी मशीनिंग करने में बहुत दिक्कत आती है, उनकी हम मशीनिंग नहीं कर पाते। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द पाउडर मेटलर्जी, हम उनकी प्री सिंटरिंग करते हैं। प्री सिंटरिंग करने से क्या होगा? जो मशीनेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये किया जाता है मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। बस इतना याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मशीनेबिलिटी को इसलिए इम्प्रूव किया जाता है क्योंकि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पाउडर मेटलर्जी से बने होते हैं, फिर भी उनके मशीनिंग करना आसान नहीं होता है। रीप्रेसिंग, पहले तो प्रेसिंग कर दी लेकिन अब हम वापिस प्रेसिंग कर रहे हैं। और वापिस प्रेसिंग हम क्यों कर रहे हैं बताओ? वापिस प्रेसिंग करने के लिए उससे पहले क्या करना होना जरूरी है? सेंटरिंग करना होना जरूरी है इन ऑर्डर टू रिलीव द स्ट्रेसेस। तो अगर हम स्ट्रेसेस को रिलीव कर देंगे तो हम उसकी रीप्रेसिंग करते हैं। रीप्रेसिंग करने से क्या होगा? और ज्यादा दबा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? मेंटली सोचो, और ज्यादा दबाने से डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और क्या हो जाएगा? और ज्यादा दबाने से डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और जो प्रॉपर्टीज है उसकी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, दैट विल बी ऑल्सो इंप्रूव्ड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब प्रेस करोगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी होगी। हमने और ज्यादा प्रेस कर दिया, रीप्रेस वापस दबा दिया, और ज्यादा डेंसिटी इंप्रूव हो जाएगी और ज्यादा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द रीप्रेसिंग एंड दिस इज द प्रीसेंटरिंग। तो यहां पर जो आपका ये पाउडर मेटलर्जी जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा और ध्यान से समझा होगा। ऑल दिस चैप्टर आर बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल कंसेप्ट, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर पाउडर मेटलर्जी चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं क्लास को यहीं पर होल्ड करता हूँ।
फिर मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।